हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में आज जोरदार गिरावट हो गई और आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट में लोअर सर्किट ही लग जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? लोकसभा चुनाव के नतीजे तो बीजेपी के ही फेवर में है, रूलिंग पार्टी के ही फेवर में है, फिर भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया गिरावट हो गया। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि बीजेपी गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव में यानी कि लगभग 360-370 सीटों से ज़्यादा बॉन करेगी, मतलब जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता चला कि बीजेपी गवर्नमेंट है जो लगभग 300 सीट ही जीत पाएगी, जिस कारण मार्केट में गिरावट हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था बीजेपी गवर्नमेंट से लोकसभा चुनाव में, तो वो पूरा हो नहीं पाया, जिसके कारण मार्केट में गिरावट हुई है। और हो सकता है कि अगले एक दो दिन थोड़ा बहुत दबाव देखने के लिए मिले, इतना ज़्यादा भयंकर गिरावट नहीं होने वाला है अब, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही जीत रही है। ठीक है, तो इतना तो गिरावट नहीं होगी, लेकिन मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली जो की है तुरंत हमें लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, तभी हम लोगों को ये जो सिनेरियो बना है गिरावट का, इसे फुलफिल करने में 1 से 2 वीक का समय लग सकता है। तो तुरंत तो रिकवरी नहीं होगी, मार्केट में 1-2 दिन और थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, लेकिन दबाव उन्हीं स्टॉक में रहेगा जो कि जिनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है और टेक्निकल अच्छा नहीं है। लेकिन जिनके फंडामेंटल अच्छा है और टेक्निकल अच्छा है, वैसे स्टॉक में कोई दबाव नहीं रहेगा। कल से ही आप लोगों को रिकवरी देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी तेज़ रिकवरी देखने के लिए मिल सकता है। तो कुछ स्टॉक हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट पे हैं, तो उन्हें आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं मार्केट को देखते हुए। ठीक है, पूरा कैपिटल आप मत डालिएगा, अपने टोटल कैपिटल का 25 से 30% आप अभी डाल सकते हैं और बढ़िया बढ़िया स्टॉक में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही 4-5 स्टॉक में बताने वाला हूं जिसमें आप लोग एंट्री ले सकते हैं और अभी वह सपोर्ट पे अब लेवल है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टॉक है रेक लिमिटेड। रेक लिमिटेड का आप मंथली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट में देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया ये जो मंथली सपोर्ट है, यहाँ पे यह स्टॉक आ चुका है और आज इस स्टॉक में काफ़ी भयंकर गिरावट हुआ है, लगभग 25% का गिरावट हो गया है। स्टॉक 452 रुपये पर चल रहा है, यदि आपको 450 से 415 के लेवल पर यह स्टॉक मिलता है तो बिंदास इसमें खरीदारी किया जा सकता है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, तो ये मौका है इस स्टॉक में खरीदारी करने का। तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं और करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक है जो कि सपोर्ट पर अपना मिल रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर स्टॉक आ चुका है, तो इस स्टॉक में खरीदारी बनता है। नेक्स्ट स्टॉक है हाल। हाल का बिकली चार्ट देख रहे हैं, बिकली चार्ट में देखेंगे कि यह भी स्टॉक अपने बिकली सपोर्ट पे आ चुका है और वहां से कहीं ना कहीं बाउंस बैक भी ले चुका है यह स्टॉक, तो यह भी काफी बढ़िया स्टॉक है डिफेंस कंपनी का, तो इस स्टॉक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपने टोटल कैपिटल का 25 से 30% ही फिलहाल डालिएगा, 2-4 दिन का सिनेरियो देखने के बाद फिर आगे रणनीति बनाया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन ये जो बेहतरीन कंपनियां आपको 20-20% 25-25% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो यहां पे इसे छोड़ना काफी ज्यादा बेवकूफी होगा, क्योंकि ये जो मार्केट है फिर से आपको ऊपर की ओर दिखाई से लेकर 10 दिन आपको दबाव फेस करने के लिए मिल सकता है। उसके बाद सभी स्टॉक में तेजी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी से जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था सिर्फ वो डाउन हुआ है, ना कि गवर्नमेंट हारी है, तो इसलिए मार्केट में फिर से आपको तेजी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं आप अदानी पावर को। अदानी पावर को भी देखिए, काफ़ी बढ़िया अपने बिकली सपोर्ट पे आ चुका है और ये अगर सपोर्ट तोड़ता है तो आपको ये सपोर्ट पे मिलेगा, यानी कि 565 रुपये के प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो करंट में भी कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, करंट में भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दूसरा लॉट हम 565 रुपये के प्राइस पे खरीदेंगे और तीसरा लॉट हम अपना 418 रुपये के प्राइस पे खरीदेंगे, लेकिन इतना आना नामुमकिन है, यहाँ तो आने वाला नहीं है स्टॉक, बहुत होगा तो आपको अभी करंट प्राइस पे जो मिल रहा है वो मिलेगा, 650 के आसपास आपको आ सकता है यह स्टॉक, और बहुत होगा तो आपको 565 रुपये के आसपास आता हुआ दिखेगा। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक आएगा, क्योंकि टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट भी हमारी लोग मतलब कि बीजेपी के बन रही है, तो कहने का मतलब है यह स्टॉक आपको और ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा नीचे, और अगर मिलता है तो भी इसमें पॉजिटिव बात है, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं फिलहाल अपने कैपिटल का 25 से 30% आप कैपिटल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं एसबीआई बैंक को। एसबीआई बैंक भी आपको अपने काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे नज़र आ रहा है, तो एसबीआई बैंक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और आपको बहुत जल्द ही ये सभी स्टॉक में रैली देखने के लिए मिलेगा, तो अभी फिलहाल ये सब स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड का बिकली चार्ट देख रहे हैं, बिकली चार्ट में देखेंगे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट पे यह स्टॉक आ चुका है और इस स्टॉक को अभी फिलहाल कंसीडर किया जा सकता है, खरीदारी किया जा सकता है और सेकंड लॉट हम अपना इस सपोर्ट पे डालेंगे। तो अभी का जो सपोर्ट है ये ऑलरेडी एकदम बढ़िया पोजीशन पे है, यानी कि 290-295 रुपये का काफ़ी बढ़िया कीमत है और यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड लॉट हम 260 रुपये पे हम खरीदेंगे जब 260 रुपये पे स्टॉक आएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कल से इतना दबाव रहेगा जितना कि आज मार्केट में गिरावट हुआ है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट स्टेप सोच समझ के ही लें, इसलिए अपना कैपिटल को 25 से 30% ही फिलहाल यूज करें, बाकी 1-2 दिन बाद आपको पता चलेगा कि हमें और क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक और स्टॉक है तीतागढ़। तीतागढ़ भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट पे आपको मिल रहा है, तो इस स्टॉक को भी कंसीडर किया जा सकता है। फिलहाल आप अपने क्वांटिटी को एडजस्ट रखिएगा और अपना कैपिटल 20 से 25% ही यूज कीजिएगा और
आगे से इतना बड़ा हमें नहीं लगता है कि मार्केट में गिरावट होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार जीत गई है तो कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी तेज़ी आने वाली है। ठीक है, एक सप्ताह आपको दबाव मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर से रैली ही देखने के लिए मिलेगा। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उतना सीट बीजेपी नहीं ला रही है, इस कारण ही सिर्फ मार्केट में गिरावट हुआ है, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए यह टेम्परेरी है, आपको फिर से रैली देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैंने स्टॉक बताए हैं वो केवल लर्निंग एंड नॉलेजेबल पर्पस से है, तो अपने ही रिस्क के हिसाब से किसी भी स्टॉक में खरीदारी कीजिएगा। और मार्केट में जिस हिसाब से तेजी होती है उसी हिसाब से गिरावट होती है, जो कि आज के जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन था उसमें आप लोग देखे ही होंगे कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए अपना रिस्क को हमेशा मैनेज करके ही चलिए और हमेशा हर परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार रहिए, तभी ट्रेडिंग में हम लोग कहीं ना कहीं सक्षम हो पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे।